अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय सेल्फ अनस अब्बासी और आप देख रहे हैं सेवन के गेमिंग। तो आप लोगों को भाई साहब एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे और फिट फाट होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अपडेट लेके आ चुका हूँ। और आप लोगों को मैं बताने वाला पोको MP40 के ऑल पांच की रिटर्न आने वाली है और वो कब आएंगी वो बताऊंगा। और उसके साथ साथ भाई साहब मैजिक क्यूब के कन्फर्म बंडल्स और यार ऐसे बंडल्स आने वाले हैं, बहुत ही एंड लेवल बंडल आने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ साथ भाई साहब जो कल आने वाला है सीन, जो रात को 12 बजे सीन आने वाला है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो यार आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो इसकी खुशी पे और एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। यार मुझे और कुछ नहीं पता, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अपडेट देने वाला हूँ। तो न्यू एक पैट भी आने वाला है, न्यू पैट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चलते हैं अपडेट की तरफ। तो गाइस जो सबसे पहले चीज़ निकल के आ रही वो है भाई साहब पेट, पेट की एक और न्यू स्किन आने वाली है। न्यू स्किन नहीं, पेट आने वाला है और वो पेट आप लोग देख सकते हैं, एलियन पेट है भाई साहब। आप लोग इसको अपने जमाने में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये भाई साहब बहुत फनी होने वाला है सीन, इसके इमोट बहुत ज़्यादा फनी होने वाले हैं। और उसके साथ साथ भाई साहब आप लोगों को पेट के साथ एक शॉटगन मिलने वाली है, मतलब जिस तरह M1887 आई है या फिर शॉटगन दूसरी आई M10, उसी की तरह की आप लोगों को एक और शॉटगन देखने को मिल सकती है, OB32 में मिल सकती है, आएगी इंशाल्लाह कन्फर्म आएगी। और उसके साथ आप लोग जो नीचे देख रहे हो, नीचे वाला सीन ये है कि भाई साहब हो सकता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड जो है ट्रेनिंग ग्राउंड आप लोगों को चेंजिंग मिल सकती है, या फिर कोई बिल्कुल न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड आएगा या फिर इसी को चेंज करेंगे। जिस तरह पहले होता था OB30 OB28 में और होता था, OB29 में और किया है, OB30 में और किया है, इस तरह करते करते ट्रेनिंग ग्राउंड को काफ़ी चेंज कर रहे हैं। तो आप लोगों को कौन सा ट्रेनिंग ग्राउंड अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताया। सबसे पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड काफ़ी मजे का होता था। तो यार आप लोगों को पेट कैसा लगा है, और M1887 में से मतलब जो शॉट गन आने वाली है, जिस तरह MAG7 आई थी इसी तरह फिर उसके बाद में स्किन आ गई थी, तो इसी तरह स्किन्स आएंगी इसकी भी। यार गाइस आप लोगों को मैंने दिन को वीडियो में बताया था कि A7 के रिद्दा वाले चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से विनर जीते हैं। तो दो विनर अनाउंसमेंट हो चुकी है, एक वीडियो अभी मैंने डाल दी है, आप लोग जाकर देखो कौन दो बंदे जीते हैं। और उसके साथ साथ उनको जो टॉप अप होगा अगले दिन सुबह मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो बंदे जीते हैं जाके वहाँ पे A7 के रिद्दा वाले चैनल पे देख लो, कमेंट में पिन या फिर डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा चैनल, या फिर आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो A7 के रिद्दा पे। वहाँ पे आप लोगों को दो विनर मैंने सेलेक्ट कर लिए, उसकी वीडियो भी आगे जाके देख लो A7 के रिद्दा पे। वहाँ पे आप लोगों को दो बंदे जीत चुके हैं भाई साहब 2500 डायमंड, मतलब कि 500 डायमंड दो बंदे जीत चुके हैं, और उनको कंटैक्ट करके उनको टॉप अप कर दीजिएगा जैसे हमने M1887 का गिव अवे किया था। अच्छा तो गाइस अभी और चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यार जो नेक्स्ट अपडेट है अभी, मतलब ये डायमंड रॉयल में लड़की का बंडल ये वाला है, तो ये वाला आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लड़के का भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला लड़की का बंडल काफ़ी एंड लेवल है, काफ़ी दमदार बंडल है। लड़कियाँ जो होती हैं लड़कियों का बंडल ही अच्छा लगता है, तो काफ़ी है। ये भी आप लोगों को डायमंड रॉयल में देखने को मिल सकता है, मतलब चांसेस इन दोनों में से किसी के हैं, मतलब लड़की का आ सकता है या फिर लड़के का भी आ सकता है आप लोगों को बंडल। मैं आप लोगों को और भी बंडल दिखा देता हूँ। तो ये वाला बंडल काफ़ी मजे के, काफ़ी दमदार है इसमें यार, ये वाला बंडल भी आ सकता है, ये चेक करो यार काफ़ी दमदार बंडल है, ये वाला बंडल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोगों को कौन सा बंडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार आज हैप्पी न्यू ईयर भी है भाई साहब, तो ये वाला बंडल आप लोगों को फेड रिवील में देखने को मिल सकता है। इसका इस तरह का मैं आप लोगों को लड़के का भी दिखा देता हूँ, ये फेड रिवील में भी आ सकता है, आप लोगों को किसी और इवेंट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर हैकर स्टोर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये वाले जो सारे बंडल हैं, ये वाले यार इस लड़की का मास्क चेक करो, मास्क बहुत ज़्यादा एंड है। ये वाले जो सारे बंडल हैं, ये वाले आप लोगों को डायमंड रॉयल में भी देखने को मिल सकते हैं और फेड रिवील में भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर हैकर स्टोर में। तो यार आप लोगों को मुझे अभी बताओ सारे आप लोगों में से कौन कौन हैप्पी न्यू ईयर इन्जॉय करने जा रहा है, आप लोग रहते कहाँ कहाँ पे होते मुझे ये बता दो, कहाँ पर रहते हो आप लोग। और हम लोग जाने वाले हैं भाई साहब गीगा माल, आप लोग गीगा माल आना भाई साहब, शुक्र मेला करेंगे वहाँ पे अगर मिल गए तो। गीगा माल कौन कौन आने वाला है इस्लामाबाद गीगा माल, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ पे जाने वाले हो एंजॉय करने के लिए, मुझे ये भी बताना कमेंट में। और आप लोग कहाँ कहाँ पर रहते हो ये भी बता देना, देखते हैं हमारी ऑडियंस कहाँ से सबसे ज़्यादा है, कराची की सबसे ज़्यादा है, लाहौर की सबसे ज़्यादा है, या फिर रावलपिंडी की ज़्यादा है, या फिर इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अभी मैं आप लोगों को और भी बहुत ही ज़्यादा OP अपडेट देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो न्यू ईवो फार्मास आने वाली है OB32 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इसकी सारा थीम कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को ईवो फार्मास में अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ईवो फार्मास बहुत ही ज़्यादा मजे की है इसमें यार, ये सीन होगा काफी इफेक्ट होंगे, ये चेक करो Level 3 किया है, Level 6 कह रहा, Level 6 किया प्रॉपर, ये इसका इमोट होगा भाई साहब, इमोट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये है किलिंग इफेक्ट से बहुत मजे का है, मतलब सबसे अच्छा किलिंग इफेक्ट इसका है, AK से भी अच्छा इसका है। और ये इसकी पूरी वो है, ये Level 1 की है, आप लोग देख सकते हैं, Level 2 की है, Level 2 की सिंपल है, मैक्सिमम कैसी लग रही है Level 1-2 में, Level 3 की इस तरह है, Level 4 में टीम इफेक्ट आ जाता है, फिर ये किलिंग इफेक्ट आ जाता है, फिर इसकी प्रॉपर बॉडी आ जाती है, फिर Level 7 में जाके भाई साहब इसका आ जाता है इमोट।
आप लोगों को स्काईबोर्ड कैसे लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। यार आज जो जितने भी ईवो गन है उनमें से आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा ईवो गन का इमोट कौन सा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसका भी काफी मजेगा। इसके बाद M4A1 का भी ईवो आने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसका इमोट अभी तक आया नहीं है तो उसका भी बारे में आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा। वो भी आ सकती है OB32 में और ये फार्मस भी आप लोगों को देने मिल सकती है। आप लोग कमेंट में बताओ पहले फार्मस आएगी ईवो फार्मस या फिर M4A1 ईवो आएगी या फिर ग्रोजा ईवो आएगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना वैलेंटाइन ग्रोजा कौन सी वाली आएगी ईवो गन इन तीनों में से मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोग मैं आप लोगों को एक और हैकर स्टोर की अपडेट दे देता हूँ। तो ये वाला बंडल आप लोगों को हैकर स्टोर में भी देखने को मिल सकता है और फेडरल में हुआ। और इस बंडल के हेयर चेक करो और इसमें फेस मास्क भी है। काफ़ी एंड लेवल का बंडल है, काफ़ी दमदार बंडल है। ये वाले बंडल भी आप लोगों को फेस मास्क कह रहा हूँ हैकर स्टोर में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं मोको स्टोर में। तो यार ये वाले फेड वील में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं या फिर किसी गचा इवेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। गचा इवेंट में तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, ये पक्के आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं भाई साहब हैकर स्टोर में या फिर फेड वील में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कौन सा बंडल आप लोगों को सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार ये जो मोको स्टोर है, मोको स्टोर भी मतलब जो पुराना था उसी की तरह था, लेकिन उन्होंने थीम थोड़ा चेंज कर दिया। ये थीम बस उसी तरह और सारा सीन वही है। डैमेज आप लोगों को इतने लगेंगे लेकिन थोड़ा थीम चेंज हुआ हुआ है। मैं आप लोगों को पोको MP40 के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को भाई साहब मैजिक क्यूब के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। यार ये वाला पहले इमोट होता था, ये वाला डीजे लोगो वाला, ये काफ़ी पुराना होता था यार, काफ़ी दमदार होता था। लेकिन अभी भी इतने लोगों के पास तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के पास आ चुका है ये वाला इमोट। आप लोगों को इमोट कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला पहले पोको MP40, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई साहब जो मैजिक क्यूब में बंडल आने वाले हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पोको MP40 बताता हूँ। यार अभी तक 800 लाइक हुए हैं यार, आप लोग क्या करो यार, 800 लाइक ज़्यादा करो यार। यार ये वाला पोको MP40 ऑल पोको MP40 रिटर्न आने वाली है। ये जो न्यू आई थी एक, ये भी सिंगल डैमेज नहीं डबल डैमेज, जो सिंगल रेट ऑफ फायर है इसका और एक्यूरेसी माइनस है, ये वाली भी आई थी। तो 5 पोको MP40 रिटर्न पे आने वाली है। तो ये वाला जो गाचा इवेंट होता है आप लोगों को पता है इस पर लक चलती है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ ऑनली लक चलती है। इसमें ये सीन होता है आप लोग स्पिन मारते जाते हो, कोई एक गन निकल जाती है, मतलब टॉप वाली भी निकल आती है, सबके चांसेस होते हैं निकलने के। तो यार आप लोगों को यहाँ पे डैमेज कम लगते हैं, आप लोगों को जितनी चाहिए होती है उतने पक्का पता होता है आप लोगों के मेरे इतने ही डैमेज लगेंगे, मतलब 2200 या फिर 2500 डैमेज लगेंगे। तो यार इंक्यूबेटर जो होता है, इंक्यूबेटर में भाई साहब कुछ पता नहीं होता, किसी के 5000 किसी के 6000 डैमेज लग जाते हैं। तो आप लोगों को गचा इवेंट अच्छा लगता है या फिर इंक्यूबेटर मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार ये वाली जो गन्स हैं सबसे मजे की दमदार, ये मतलब कि लेजेंड थी लेजेंड्स। अभी जो आई है MP40 आई है तो वो भी मतलब है ठीक है, लेकिन जो लेजेंड थे ना पुराने लेजेंड्स, ये पोको MP40 ही थी। इसके पीछे लोग मरते थे यार, लोग मरते थे इनके पीछे। आप लोगों को सबसे अच्छी पोको MP40 कौन सी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना, या फिर पोको को छोड़ के मतलब आप लोगों को कौन सी सबसे अच्छी MP40 लगती है मुझे कमेंट में बताना। मतलब ईवो भी लगा के कोई भी MP40 आप लोगों को अच्छी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई साहब मैजिक क्यूब के बारे में। मैजिक क्यूब जो बंडल्स हैं वो अपडेट होने वाले हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये वाला लड़की का बंडल भी आने वाला है, ये वाला भी काफी रेयर है, सारे बंडल रेयर है यार। ये वाले आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अभी फ्री वालों ने जो स्टोर अपडेट किया था, ये वाले आप लोगों को बस एक समय लालच दिया था भाई साहब, मतलब पहले भी लास्ट टाइम भी 2 बार 3 बार इसी तरह हो चुका है। पहले रहते हैं जिसके पास एक दो डैमेज एक दो होते हैं ना स्टोन, वो बंदा ले लेता है ठीक है बंडल। बाद में फिर फ्री फायर वाले एक मैजिक क्यूब देख के उसके बाद जब स्टोर अपडेट करते हैं ना, ये वाला बंडल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्टोर अपडेट करते हैं उसमें बहुत दमदार चीजें आती हैं, इस वजह से जिस चीज के पास डैमेज है डैमेज नहीं ये है ब्लू प्रिंट बचा कर रखो। ये वाला बंडल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है और ये वाला बंडल भी आ जाए ना भाई साहब मजा आ जाएगा। तो पाकिस्तान सर्वर आया तो था लेकिन जो पैसों का आया था ना अभी यहाँ पे आया तो लोग फ्री कर लेंगे। तो आप लोगों को ये वाले बंडल कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार अभी आप लोगों को वीडियो भी कैसे लगे मुझे बताना। तो अभी मैं एंड करता हूँ वीडियो को, तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना, बाय बाय।